बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा की पहली औपचारिक कार्यवाही आज से शुरू हो गई। शुरुआत स्पीकर पद के लिए ओम बिरला की जीत से हुई, जिसके बाद बेहद शानदार तस्वीर भी सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई दी और एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। इसके बाद सभी दलों के नेताओं ने ओम बिरला को बधाई दी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही सदन में पक्ष विपक्ष आमने सामने भी आ गए और इसकी वजह बना इमरजेंसी का जिक्र। इमरजेंसी के 50 साल होने पर सदन में ओम बिरला ने एक प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सदन में हंगामा मचता हुआ भी हमने देखा। लेकिन अभी आप देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से ओम बिरला के चुनाव के बाद स्पीकर की कुर्सी तक जब उन्हें ले जाने की बारी आई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके साथ होते हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनके साथ नजर आए। लेकिन अब आते हैं इमरजेंसी के मुद्दे पर, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ। ओम बिरला ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें इंदिरा गांधी के फैसले की कड़ी आलोचना की गई और आपातकाल के दौरान जान गंवाने वाले को मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी भी सदन में मौजूद रहे और बाकी विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो लोकसभा में जब इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था उस वक्त नेता विपक्ष राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जब ओम बिरला प्रस्ताव पढ़ रहे थे और राहुल गांधी सामने बैठकर इस प्रस्ताव को सुन रहे थे। ये देखिए तस्वीरें। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पूरा जो। और आइए अब आपको बताते हैं इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव में क्या कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह सदन 1975 में देश में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की हम सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का उस जमाने में पुरजोर विरोध किया। स्पीकर ने कहा कि 1975 में देश के ऊपर तानाशाही थोपी गई थी। तो देखिए क्या कहा गया है इस प्रस्ताव में। 25 जून 1975 का दिन काला अध्याय है। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी ने संविधान पर प्रचंड प्रहार किया। देश पर इंदिरा गांधी ने तानाशाही थोप दी। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया। अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी की बात कही गई। नागरिकों के अधिकार किस तरह से इमरजेंसी में नष्ट कर दिए गए यह बताया गया। पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था। इमरजेंसी का समय अन्याय काल था। आज ओम बिरला की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया इमरजेंसी को लेकर उसमें इन तमाम बातों का जिक्र था। आपको सुनाते हैं ओम बिरला का बयान। यह सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोड़ विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए।
और संसद के अंदर इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। संसद के बाहर बीजेपी सांसदों ने इमरजेंसी के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ संसद के अंदर तमाम सांसदों ने मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और दूसरी तरफ संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर बीजेपी सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। तो इमरजेंसी को लेकर जहां लोकसभा में प्रस्ताव आया तो वहीं बीजेपी ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, सुनते हैं आप, सुनाते हैं आपको। आपातकाल को लेकर बीजेपी संसद परिसर में प्रदर्शन कर रही है, हमारे साथ रविशंकर प्रसाद है। सर, संसद के अंदर भी प्रस्ताव आया और बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए? याद करिए, हम लोग बहुत छोटे थे, यंग स्टूडेंट्स थे, जेपी मूवमेंट के शिष्य थे। जेपी को जेल में बंद किया गया, अटल जी को बंद किया गया, अडवाणी जी को बंद किया गया, लालू प्रसाद जेल में गए, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, डीएम की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, कुलदीप नायर जेल में थे, पत्रकारों को जेल में बंद किया गया, सेंसरशिप लगाई गई, और सिर्फ एक बात के लिए, क्या? इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनसीट किया था और जजेस को सुपरसीड किया गया। एक जस्टिस एचआर खन्ना, जिन्होंने जजमेंट में कहा था एडीएम जबलपुर में कि लोकतांत्रिक अधिकारों का क्षरण इमरजेंसी में भी नहीं होगा, उनको एक महीने के लिए भी इन लोगों ने भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। यह है कांग्रेस का इतिहास। और हमें लोकतंत्र की बात करती है, संविधान की बात करती है, मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी शर्म करे, संविधान की दुहाई मत दे, उनका काला इतिहास आज तक सामने है। इसीलिए आज नहीं खड़े हुए अखिलेश यादव, उनके भी दिल में दर्द था, मैंने देखा, जाके बात किया। तो कृपया करके इस तरह का स्वांग नहीं करें, इस देश का संकल्प है इमरजेंसी फिर कभी नहीं आएगी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और देश में इमरजेंसी लागू किया गया था, लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था, स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी, एक तरह से इस देश को पुनः प्रतंत्र बना दिया गया था। काला दिवस के रूप में जो 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था, वो बहुत ही लोकतंत्र की हत्या थी। आज जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। पहले दिन के लिए उनका शुरू किया। और आइए अब बात करते हैं स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव की। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। का मैं समर्थन करता हूं। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। द क्वेश्चन इज नॉट हाउ एफिशिएंटली द हाउस इज रन, द क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ इंडियाज वॉइस इज बीइंग अलाउड टू बी हर्ड इन दिस। आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो।